सिलेबस में रहते हुए? फर्स्ट सबसे सिमरन का ही हाथ उठेगा। ओके सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को कंग्रेचुलेशंस। फर्स्ट ट्रेलर ने भी बहुत मतलब एक यू नो एक अवेयरनेस जागृति पैदा की थी। सो मेरा आपसे सवाल ये कि आपने ऐसा कुछ देखा था कि कोई फैंस आपके पास आए हों जिन्होंने आपसे शेयर किया हो कि बिकॉज ऑफ योर फिल्म या बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक वी ऑल्सो हैव डिस्कस्ड या वी हैव ऑल्सो द जो परसेप्शन जो होता है वो चेंज हुआ थोड़ा, ऐसा कुछ हुआ था आपके पास? कोई ऐसे फैंस आए थे या आपके अपने सराउंडिंग्स में? आई थिंक इट्स टू सून टू से समथिंग लाइक दैट राइट नाउ, बट कोशिश यही है कि लोग जैसा कि आप कह रहे हैं जागरूक हो, सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हम अपने आप को तो समझते हैं एक बहुत ही मॉडर्न एंड फॉरवर्ड थिंकिंग सोसाइटी, बट अभी भी झिझकते हैं सेक्स बोलने से। तो ये छोटी छोटी बातें एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट अदर टॉपिक्स ऑल्सो जो टच करते कि अगर आप एक डॉक्टर मेल डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट होता है तो कोई कुछ नहीं बोलता, बट आप खुद ट्रेलर में ही देख लो, फर्स्ट ट्रेलर में मैं जब बोलती हूँ कि मैं मामा जी के क्लिनिक जाऊँगी तो मेरा खुद का भाई बोलता है कि लड़कियों के ऐसे वाले क्लिनिक जाएगी, तो यू नो इक्वालिटी इज सच, देन जस्ट बीइंग ओपन अबाउट अ टॉपिक बिकॉज ऑफ विच यू एंड आई आर सिटिंग हियर टुडे, स्टफ लाइक दैट यू नो, सो इट्स सेड इन अ वेरी नाइस फनी मैनर, एंटरटेनिंग मैनर, एंड आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू शिल्पी फॉर treating this subject with the kind of sensitivity and the kind of the way she's made it, no, I believe very strongly in this film and I believe that you all will also love it. हमारे साथ तो हो गया ये, मतलब मुझे तो पता चल गया कि ट्रेलर का असर शुरू हो गया कि मैं एक जगह बैठा था, मैंने I overheard two people saying अरे तेरे को तो मामा जी की दवाई चाहिए मुझे लगता है। तो अब बंदा फिल्म से क्या लेके जाता है उस पर डिपेंड करता है। ओके सोनाक्षी प्लीज अलाउ मी टू आस्क अनदर क्वेश्चन। ऐसा है कि जैसे दिस फिल्म टॉक्स अबाउट सेक्स और इट्स क्रिएटिंग एन अवेयरनेस, लेकिन देखा जाए तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL सूट फाइल किया गया है टू मतलब स्टे ऑर्डर के लिए नॉट टू रिलीज द फिल्म, सेक्सोलॉजिस्ट उन्होंने फाइल किया। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मतलब आई थिंक माय प्रोड्यूसर्स विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन बेटर। प्लीज आप बताइए, प्लीज ऐड ऑन इट। Actually, that case is process mein actually. I think better we speak about it after 2-3 days. That would be better actually. Yeah. Thank you. Shilpi. Some clarification needed. That's it. So it's not a case exactly. So we're in process. Our team from Sundial and T-Series. So we're handling that. So it won't become not too much to of an worry, issue. Not to worry. Basically, is what we are saying. Sab theek hai. Ghabrane ki koi baat nahi. शिल्पी मेरा सवाल आपसे है और दो सवाल एक साथ हैं। एक तो आपने जो ये कैरेक्टर पोर्ट्री किया है बॉबी बेदी का, वो बेबी 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 बेदी का सॉरी, वो एक छोटे शहर की लड़की है। मेट्रोज में इस सब्जेक्ट को अगर मतलब मेट्रो की किसी लड़की को आप दिखाती तो शायद उतना बवाल नहीं होता, लेकिन आपको क्या इस बात का डर नहीं था कि ये एक छोटे शहर की जलंधर या पंजाब के किसी भी एक छोटे से शहर की लड़की है तो उसके लिए कुछ बवाल हो सकता है? और दूसरा सवाल कि जैसे आपने कहा है कि ये पूरी होल फैमिली के लिए फिल्म है, तो जब स्क्रिप्ट के लेवल पे आपको कितनी डिफिकल्टी आई क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है उसको सिंपलीफाई करने के लिए और उसको स्वीट सा क्यूट सा वैसा कॉमेडी एक कॉमेडी फिल्म बनाने के लिए? ये दोनों सवाल जी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कहानी इसलिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक छोटे शहर की एक मिडिल क्लास लड़की की कहानी है। अगर ये कहानी किसी बड़े शहर की लड़की की होती तो शायद रेलेवेंट तभी भी होती क्योंकि ये बात रेलेवेंट है। आज भी बड़े शहरों में सबसे अच्छे अच्छे परिवारों में भी ये सब्जेक्ट टबू माना जाता है, कभी भी डाइनिंग टेबल टॉपिक ये नहीं होता है और हमेशा सेक्स के बारे में बात करना या सेक्स के बारे में डिस्कस करना किसी और की जिम्मेदारी होती है, या वो टीचर्स की होगी या वो किसी और फलाने दोस्त की होगी, लेकिन कोई या गूगल जो सबसे डेंजरस exactly, टीचर yes, है सबसे डेंजरस yeah. तो कोई भी पेरेंट या कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता कि नहीं मैं इस सब्जेक्ट को ब्रोच करूँगा या करूँगी, ये नेचुरली नहीं आता। तो इस सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए एक छोटे शहर की लड़की जब ये मुहिम उठाती है तो मुझे ये लगता है कि ये एक इनहेरेंट बहुत इंटरेस्टिंग विंड ऑफ चेंज है। ये एक फ्यूचरिस्ट नहीं क्या बोलेंगे एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स व्हाट वी वांट द फ्यूचर टू बी, प्रोग्रेसिव है बहुत ज़्यादा।
और फिल्म की स्क्रिप्ट को किस तरह से आपने फिल्म की स्क्रिप्ट मैम वो हमेशा से ही बहुत फैमिली ओरिएंटेड और एक एंटरटेनिंग फ्लेवर में लिखी गई शुरू से ही. इनफैक्ट वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती गई क्योंकि हम कोई भी चीज़ डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे थे. हम हमेशा चश्मा लगा के ये कर रहे थे कि अगर मुझे मेरी फैमिली के साथ इस सब्जेक्ट को डिस्कस करना पड़ा तो मैं किस हिसाब से इस चीज़ को सामने रखूँगी. तो बड़े ही मज़ेदार मोमेंट्स और सिचुएशंस उभर कर आए जो हमने भर भर के डाले हैं फिल्म में. तो आप लोग मुझे लगता है कि सब बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि सबकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा ही. Sonakshi, a couple of questions. One is, what is the census certificate that you have got for the film? I'm sure you're hoping to get UA. What is the UA? Was it easy to get? UA. Did you suggest any cuts or something? We actually got a very good response from the censor board also. So screening hoti hai, hum sab bahar hi rehte hain jab tak 2 ghante film chalti hai. To wo ek rehta hi hai ki are kya bolenge, kaise rahega. But after the screening got over, उन्होंने 15 मिनट और लिए डिस्कस करने के लिए. तो और बड़ी दुख कि अभी अंदर क्या बोलने वाले हैं. तो पर जब अंदर बुलाया उन्होंने एक जो होता है हैंड ओवर करने के लिए, तो मतलब बहुत ही it was third time for me, but it was first time for her. And when she entered, तो बहुत उनके ऑलरेडी चेहरों पे बहुत स्माइल थी और उन्होंने यही बोला कि अरे आपने मुस्कुराते हुए बड़ी अच्छी बात कर दी. दीज वर देयर वर्ड्स. सो और मतलब उन्होंने क्लियर उन्होंने कहा कि देर आर नो कट्स. आई मीन इट्स अ फिल्म दैट हैज़ टू बी सीन बाय द पीपल वी वांट. So we they clearly gave us a UA certificate. Awesome. Sonakshi, the film is also clashing with Siddharth and Pariniti's Jabriya Jodi. Any concerns on that front? Not at all. I think we don't have any free dates, you know, where a film can get a solo release. So we have to come along with each other and hope that, you know, every film finds their audience. And we are very confident about our film. We are okay and we are very proud of our product and hope that as many people come and watch it and enjoy it. So no issues there at all. Badshah, sure. On a lighter note, I think if anyone can give stiff competition to Ranveer Singh in terms of dressing sense, it is you. देखो रैपर है, रैपर पहन के आया है. There is no competition sir at all. I'm winning. Oh, you're winning. Sonakshi, here on your right. Right. Left, right, impaired. Sonakshi, congrats on the trailer. The film is looking lovely. Sonakshi, you said you always make sure your film choices are something a whole family can watch. But do you think it limits you as an actor somewhere in terms of the choices that you can make for films? I have 4 releases this year. In my 9 years, I will complete 25 films. That is your answer right there. Also, I'm not limited in any way whatsoever. Okay. Badshah, I want to ask you, this is your first this is your first film you're debuting as an actor. Any thoughts on that? It's a great film to be a part of. And thoughts ye ki mujhe jo lagta tha ki acting matlab meri is film ke baad actors ke liye bahut respect badh gayi hai. That is all I want to say. I think it's not an easy job. And I think hamare bare mein कल क्या बोल रहे थे रात को? क्या बोल रहा था तुम? कि सर आप कमाल है सर. हाँ मतलब आई थिंक द नो नहीं आप बोले सर आप कमाल हो सर आप आई थिंक द होल टीम इज अमेजिंग एंड यही थॉट्स हैं यार. बस अभी मैं नर्वस हूँ 2 अगस्त तक. मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा कुछ. मतलब मुझे पता नहीं ठीक है अच्छा हो गया मस्त है. फिल्म जरूर दे. आप बताओ व्हाट आर योर थॉट्स 2 अगस्त के. Badshah, yeah, over here on your left, Sohail. Yeah. Congratulations to you and the entire team, Sonakshi also. Thank and you, everyone. Thank you. Acting karna, comedy karna is a difficult task. Like I think the actors agree for that thing. Pehli film aur wo bhi comedy. Did you take up any workshop? What was your process? Oh, हमें workshop देता है. उसको workshop की ज़रूरत है. In fact, जब मैं take this. When I was reading the script, जब इसका character मैं पढ़ रही थी गबरू घटैक का,
तो मेरे मन में सिर्फ बादशाह की इमेज आ रही थी, मुझे और कोई दिखाई नहीं दिया ये रोल करते हुए, बिकॉज़ ही वाज सो सूटेड फॉर दिस रोल. एंड उसे बीमारी है सुनाक्षी. जब अरे बीमारी का छोड़ो, द वे ही इज, ही इज सो फ्लैम्बॉयंट, ही इज सच अ कूल डूड, एंड लाइक ही इज अ सिंगर, एंड जिस तरह से वो बिहेव करता है, बात करता है, आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर टू बादशाह. सो जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, मुझे लगा कि यार अगर बादशाह कर देना तो मतलब बेस्ट हो जाएगा. देन व्हेन मिक केम एंड टोल्ड मी कि बादशाह कर रहा है रोल, आई वाज सो हैप्पी, आई वाज लाइक आई कुडंट बी हैप्पियर. बट आई थिंक या आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज टू ऑफ कोर्स द टीम एंड स्पेशली ब्रिक सर एंड शिल्पी मैम. मतलब कॉमेडी बहुत ट्रिकी चीज होती है. एंड अ राइटर गौतम. राइटर एग्जैक्टली. मतलब इट स्टार्ट्स विद राइटिंग. तो अगर आप राइटिंग अच्छी है और उसके बाद मतलब दे डिडंट एवर अलाउ मी टू गो ओवरबोर्ड. मतलब दे वर लाइक कि भाई तू नेचुरल रहे. Because that's what you are. Because this character is you. So it, I think it helped like that. Sunakshi, is film ke pehle, matlab aapka perception kya tha? Matlab jaise ek one-liner read kiya, lekin after the film, how much did you also, you know, learn something? Because I think so, there are lots of things where, as a teenager, there are lots of youth who have, you know, misconception about sex and other things. Like I think so, if I can give an example, a girl thinks ke if she kisses, then she gets pregnant. So are there something like that also where you have preachy things also, but in a very lighter way? Somewhere. I mean, there are things that, you know, people do need to know. And like Shilpi said that, you know, if you're preachy about it, I don't think people really pay attention. You have to put it across in a way that they understand. But yeah, it does talk about the importance of sex education also as one of the topics which should be introduced in schools. I think because if we can teach kids all the things, then we should also teach sex education so that they don't learn it from the wrong way, don't get confused. And yeah, so it does touch upon that topic as well, but in a fun way. Vinod ji, one question to you. Marketing strategy kis tarah se rahegi? Because har film ka ek flavor hota hai. To isko kis tarah se plan kiya hai? Flavor basically, jab hi script suni and theatrical jab promo aaya pehla, you know, then Brick and Shilpi ka jo vision tha, ye baat to honi chahiye na koi cheez ki. And that's the reason actually film banane ke liye, we're making lot of different genres of film, you know, in T-series. We believe that there's so many subjects which are yet to be, or the stories are yet to be told. And this entire team thought that, you know, the kind of a script which was written and the story, or probably a message which is, it's not a preachy. Haste haste jo baat hoti hai na, ye karni chahiye. Ki bura nahi hai. Matlab, you should talk. If there's a problem, there's a solution. If you talk, then फिर आप तो तभी आप सॉल्यूशन कर सकते हो. वही है हमारी पिक्चर भी. वी टेक आखिरी दो सवाल. हाय, सो कांग्रेचुलेशंस टू द टीम. दिस इज प्रियंका फ्रॉम सोशल कैचअप. आई लव द ट्रेलर बोथ ऑफ देम. एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर महावीर सर एंड एक्चुअली ऑल ऑफ यू. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ जॉनर्स आई थिंक दैट कैन अप्रोच फिल्म्स लाइक दिस. वन इज द आर्टसी, द वन यू नो विद अ लिमिटेड ऑडियंस, एंड देन दिस इज द अदर वन like this, you know, which uses comedy and lighter elements. Do you think this is the kind that works more for an audience like India? Sir, Mahavi sir, what would you like to say? I think our director would be the better person to answer this. Yeah. Yes, ma'am. I think we are very lucky to be making cinema in today's day and age, because today content is the king. True. There is no film in that category where it's an art cinema or a commercial cinema anymore. Good content wala film is always the king today. The script is what leads you into making a film a big hit or not. Plus, log ab scripts ke saath judte hain. So, I think we are very lucky that we are making films in today's time and age. And this also, I think, will add on to the bouquet of films that we are now these days enjoying. Mm-hmm. Thank you. Ji, we'll take the last question. Yeah. Hi, Sonakshi Ravi. Hi. From ABP News. Sonakshi, India jo hai duniya mein abadi ke mamle mein dusra sabse bada desh hai, lekin fir bhi sex ko taboo mana jata hai, khulkar baat nahi ki jati hai. Yahi to. Haan, lekin mera sawal thoda sa dusra hai. आपका सवाल हमेशा दूसरा ही होता है. पूछो. हाँ सोनाक्षी, मेरा सवाल ये था कि क्या आपका क्या कहना है इस बारे में कि सॉरी आई एम गेटिंग लिटिल कंफ्यूज, मैं वापस पूछता हूँ आपसे.
सोनाक्षी आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से ये डिबेट शुरू हो चुकी है इस देश में कि आबादी रोकने के लिए टू चाइल्ड नॉर्म होना चाहिए, तो आप किस इससे कितनी सहमत हैं, क्योंकि ये डिबेट काफ़ी सालों से चलती आ रही है और दोबारा से पार्लियामेंट में और कुछ नेता इस पर बोलने लगे हैं, आपको लगता है कि आबादी रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए? आई थिंक डेफिनेटली, बिकॉज आई फील कि एक्सेसिव पॉपुलेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है एंड इट शुड बी प्रैक्टिस. फैमिली प्लानिंग डेफिनेटली शुड बी प्रैक्टिस एंड यहाँ पर इसके बारे में बात करना आई डोंट थिंक मैं मुनासिब समझ रही हूँ, बट ऑफकोर्स आई एज अ पर्सनल ओपिनियन येस आई बिलीव दैट फैमिली प्लानिंग इज अ मस्ट एंड स्पेशली फॉर अ कंट्री विच इज ओवर पॉपुलेटेड वी डू नीड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. येस बादशाह, यू हैव टू से समथिंग. See, basically, I'll just add that, like, how education is important, sex education is also important. So, government kya kar rahe hain, wo to government karegi, but it starts from educating your child and sex educating your child. So, wahan se hi aapko khud hi hai ki, haan yaar, hume itne pe rukna hai, yeah, we have to be aware of what, I mean, jaise mera film mein bhi hai, dialogue bhi hai ki, logon ko lagta hai ki, prasad wale kele kha ke prakat hue hain, aisa kuch nahi hai. There is, this is a physical process that happens. So, ye, matlab, it starts from there. It starts from, aap bachcho ko school bhejte hain. Ek umar pe, ek umar jab unki correct hai, unke saath ye subject bhi discuss hona chahiye. Ye subject bhi, and that's what our today's bottom line keh lo, baat to karo jo hai trailer ka. Film ka title Khandani Shafaghana hai, but we're calling it baat to karo just for this reason only. That we have to talk about it. Bashar, do you have something to say? Sir, I completely agree. I think it all starts with educating our children. But having said that, jo ho chuka hai, wo to ho chuka hai. So, but I think main is cheez mein believe karta hu ki hame population control, like family planning, to be exact, to be precise, I think we should practice that. But also, I think main 130, jitni hamari abadi, main usko as a resource bhi dekhta hu. To main us type se bada optimistic banda hu. बट आई थिंक अब से अब यू नो अब रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रहे हैं और तो हमें फैमिली